तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एमजीबी चैट्स। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्किन स्मूथ करने की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जिसका यूज करके आप अपनी फोटो में स्किन को भी स्मूथ कर सकते हो एंड आपके फेस से स्ट्रक्चर भी रिमूव नहीं होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये ट्रिक होने वाली। तो अगर आप भी इस सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। सिंपली गाइस, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप पिक्सअप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सिंपली हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फोटो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ये रही हमारी फ़ोटो, इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस, फोटो हमारी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हमारे फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्लेमिशेस हैं। सबसे पहले हम अपने ग्लेमिशेस को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है हीडिंग टूल पे एंड यहाँ से इसकी साइज को हम हल्का सा कम करेंगे एंड हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो एंड अपने फेस के ऊपर इस टाइप से जूम करना है। फिर जहाँ जहाँ पे भी अपने ग्लेमिशेस है उसके ऊपर आपको इस टाइप से रफ करना है एंड ये टूल ऑटोमेटिक अपने ग्लेमिशेस को रिमूव कर देगा। तो गाइस, काफ़ी एडवांस टूल है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्लेमिशेस को रिमूव कर देता है। तो इस टाइप से हम पूरे फेस के ग्लेमिशेस को रिमूव कर लेते हैं फटाफट से। तो फाइनल गाइस, हमारे फेस के ग्लेमिशेस सारे रिमूव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फेस के ग्लेमिशेस रिमूव हो चुके हैं। तो काफ़ी सही लग रहा है ये, इसको हम यहाँ से डन करेंगे एंड अब करेंगे हम अपने फेस को स्मूथ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर लेना है एंड इसके हार्डनेस को आपको रखना है बिल्कुल ज़ीरो एंड ओपेसिटी इतनी रखेंगे हम, साइज को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, इतना रखेंगे। तो हम करते हैं अपने फेस को स्मूथ, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से। तो कैसे करना है आपको, तो इस टाइप से आपको अपने फेस के ऊपर रब करना है एंड आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरे फेस को सिलेक्ट करके उसके बाद इसको छोड़ना है। तो इस टाइप से आपको पूरी स्किन को सिलेक्ट कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ। ये हो चुका है, अब हम अपने फेस को डबल स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए आपको इस स्टेप से फिर से रब करना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको हार्ड स्मूथ चाहिए वहाँ वहाँ पे आपको इस स्टेप से रब करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी स्किन स्मूथ हो रही है। ज़्यादा भी नहीं करना है आपको, इस स्टेप से रब करना है ताकि बिल्कुल रियल लगे हमारा फोटो एंड जो हमारे टेक्सचर से वो भी गायब ना हो। तो गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ एंड फ़र्क आप देख सकते हैं, काफ़ी सही लग रही है हमारी स्किन। तो ये भी हो चुका है, तो हमारा फेस बिल्कुल फेक ना लगे इसके लिए हम इसमें टेक्सचर से ऐड करेंगे। तो टेक्सचर से ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डन कर लेना है यहाँ से। तो इसको हम डन कर लेंगे यहाँ से, तो सिंपली इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। तो गाइस, फोटो में टेक्सचर से ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रक्चर का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ऐड हो चुके हैं। एंड बिफोर आफ्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल रियल से हमारा फेस लग रहा है एंड पता भी नहीं चल रहा है कि हमने अपने फेस को स्मूथ किया है, तो काफ़ी सही लग रहा है ये। इसके हम यहाँ से ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतना रख सकते हो यहाँ से, तो इतना रखेंगे हम इसको। एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको डन। तो ओके गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने अपने फेस को स्मूथर्स एंड हमारे जो स्किन के टेक्सचर्स थे वो भी गायब नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल रियल सा लग रहा है हमारा फेस। तो गाइस इस टाइप से आप भी अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। आई होप गाइस आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।